देश को लूटने की जो है इंतहा हो चुकी है, और ये सोने की चिड़िया अब जो है गरीबों की चिड़िया बन के रह गया है। तो मोदी को किस लिए लेके आए कि यहाँ से और हमारी कमाई लूटे और विदेशों में चली जाए? सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों में हारी, नहीं तो एक डर सता रहा था कि अगर कांग्रेस चारों राज्य अगर जीत लेगी तो पक्का जो है इंडिया गठबंधन में से जितने SC ST OBC की रीजनल पार्टी थी सबको वो सबसे पहले लात मारती, कि अब जो है कांग्रेस उनकी जरूरत नहीं उनकी मजबूरी बन गई है, आप हमारा यूज करो और उसके बाद जो है हमें यूज करके थ्रो कर दो, ये पॉलिसी अब जनता को स्वीकार नहीं है। बस मुसलमानों की कटाई कर दो और जो है पप्पू पनौती कर दो, बस इन्हीं चीजों में देश उलझा पड़ा है। और तो मोदी से क्या पेट भर जाएगा? मोदी का अगर ला रही है तो मोदी हमारे लिए कर क्या रहा है? मोदी ने कहा था 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे, किसके खाते में 15 लाख है? कोई 1400 करोड़ कोई लाखों करोड़ लेकर इस देश से भाग रहा है, तो काला धन आता नहीं दिख रहा, मुझे जाता दिख रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों का चुनाव जिसे सेमी फाइनल की तरह देखा जा रहा था उसका परिणाम आया और बीजेपी बंपर वोटों से 3 राज्यों को जीत लिया, और उसके बाद से जो मोटिवेशन बना हुआ, जो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है वो अलग लेवल का जाता हुआ दिख रहा है बीजेपी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कह दिया है कि हमसे सीखने की जरूरत है, पहले सीखो हमसे उसके बाद मैदान में हमसे कंपटीशन करने के लिए आओ। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है राजबाला सैनी। क्या कहेंगे, मोदी जी नसीहत दे रहे कि पहले हमसे सीखो उसके बाद हमारे से कंपटीशन करो? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों में हारी, नहीं तो एक डर सता रहा था कि अगर कांग्रेस चारों राज्य अगर जीत लेगी तो पक्का जो है इंडिया गठबंधन में से जितने SC ST OBC की रीजनल पार्टी थी सबको वो सबसे पहले लात मारती, ठीक है? तो ये एक SC ST OBC के लिए जो है एक खुशखबरी है कि अब जो है कांग्रेस उनकी जरूरत नहीं उनकी मजबूरी बन गई है। अगर यही कांग्रेस नीतीश जी की बात मान लेती, अगर यही कांग्रेस अखिलेश जी की बात मान लेती, अगर यही कांग्रेस मायावती जी को सम्मान दे देती, अगर यही कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हर जगह पोस्टर में फोटो लगवा देती तो आज उनको ये दशा देखनी नहीं पड़ती। आप हमारा यूज करो और उसके बाद जो है हमें यूज करके थ्रो कर दो, ये पॉलिसी अब जनता को स्वीकार नहीं है। तो अगर आपको देश जीतना है तो SC ST की OBC की जितनी रीजनल पार्टी है सबको साथ लेना पड़ेगा और उनको उनकी जो है उनके अनुसार टिकट भी देनी पड़ेगी। तो फिर क्या लोकसभा में जिताएंगे कि नहीं कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को अब बहुत बड़ा झटका लगा है, उनकी अकल ठिकाने आ गई है, ठीक है? राहुल गांधी बनाम मोदी ये जो है मैच चला था दो ही, इसमें अशोक गहलोत ने जो राइट टू हेल्थ की पॉलिसी लागू करी 50 लाख की, जनता ने नहीं अपनाई, नहीं मानी। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू करी, जनता ने नहीं सुनी। तो जनता ने क्या सुना? जो टीवी क्या भोका कि पप्पू और पनौती, बस दो ही शब्दों पर विचार चल रहे थे, और कौन मुसलमानों को मारेगा और कौन जो है योगियों को सत्ता में बिठाएगा, इसी चीज पर जो है सारी वोट डली है। बाकी कोई मुद्दा, कोई रोजगार, महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं का बलात्कार, कोई भी मुद्दा जो है जनता को आज नहीं चाहिए। बस मुसलमानों की कटाई कर दो और जो है पप्पू पनौती कर दो, बस इन्हीं चीजों में देश उलझा पड़ा है और वोटिंग कर देता है, क्योंकि मनुवादी मीडिया बैठी है, गोदी मीडिया बैठी है, और बस इन्हीं बातों में जनता को उलझाकर और देश का चुनाव पलट देती। जनता को जो चाहिए वो ला रही है, फिर दिक्कत किस बात? क्या ला रही है? लाखों को मोदी चाहिए, मोदी ला रही है, तो मोदी से क्या पेट भर जाएगा? मोदी का अगर ला रही है तो मोदी हमारे लिए कर क्या रहा है? मोदी ने कहा था 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे, किसके खाते में 15 लाख है? मोदी ने कहा था काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा, मुझे तो रोज लिस्ट मिल रही है, कोई 1400 करोड़ कोई लाखों करोड़ लेकर इस देश से भाग रहा है, तो काला
काला धन आता नहीं दिख रहा, मुझे जाता दिख रहा है। तो मतलब हमारा जो कमाई टैक्स की कमाई है वो देश से जाती भी नजर आ रही है, काला धन आता तो नजर ही नहीं आ रहा। तो मोदी को किस लिए लेके आए कि यहाँ से और हमारी कमाई लूटे और विदेशों में चली जाए। ये जनता तो टीवी देखती है, हर घर में टीवी बैठा है, और ये टीवी जो है जनता का सबसे बड़ा दुनिया जो है चोर है, घोटालेबाज है, धोखेबाज है। ये सारी वही मुद्दे बताता है जो मोदी मीडिया कहती है। वो कभी ये नहीं दिखाता कि मोदी ने जो है सारा देश बेच दिया और गरीबों को तो गरीब बना दिया और अमीरों को अमीर बना दिया। ये टीवी कभी नहीं दिखाता है। ये टीवी कभी नहीं दिखाता कि मणिपुर में जो 3 महिलाएं नग्न घुमाई गई वो देश के इतिहास में पहली बार हुआ। यह टीवी ये नहीं दिखाता कि आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करना इस देश में जो है बहुत ही घृणित अपराध है। ये मोदी नहीं बताता। यह मोदी ये नहीं बताता कि इस न्यायालय में 80% ब्राह्मण ही न्यायाधीश है और 200 परिवारों में से ही सारे जज बनते हैं, और जो है कोई भी SC ST OBC का ना सुप्रीम कोर्ट में और ना हाई कोर्ट में जज बन पाता है। इसीलिए SC ST OBC 90% जेलों में आज भी सड़ रहा है, जो कि राष्ट्रपति मुर्मू ने भी खुद इस बात को स्वीकारा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हर नौकरी के लिए, क्लर्क के लिए भी रिटर्न एग्जाम होता है, तो जज के लिए रिटर्न एग्जाम क्यों नहीं होता? क्यों घोटाला जो है न्यायालय में चल रहा है, इस घोटालेबाजी को बंद करना होगा, तभी जो है ये देश जो है गुलाम हुए जा रहा है। और जो मुगल आए थे वो लूट के ले गए, अंग्रेज आए थे वो लूट के ले गए, अब स्वर्णवादी लूट के ले जा रहे हैं इस देश को लूटने की जो है इंतहा हो चुकी है। और ये सोने की चिड़िया अब जो है गरीबों की चिड़िया बन के रह गया है। तो वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बीजेपी की देन है, मोदी की देन है, रामनाथ कोविंद बीजेपी की देन है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं ये कहूंगी कि देखिए वोट तो SC ST OBC का ही है, तो वोट चाहिए तो उनके नाम का एक एक कबूतर तो ले लाना इनकी मजबूरी है। दूसरा, इन्हें अगर प्रधानमंत्री बना है तो अपने लोगों को जंगल देने हैं, खनिज देना है, मिनरल्स देने हैं, तो वो कैसे देंगे? जब राष्ट्रपति मुर्मू का चेहरा ले आए कि भाई आदिवासी समाज का चेहरा ले आए हैं, आदिवासी लोग खुश हो जाएंगे और फिर इनके जंगलों पे कब्जा कर लेंगे। अंबानी अडानी को महंगे रेटों में वो जो है जंगल नहीं देने पड़ेंगे, सस्ते रेटों में उनको बेच देंगे और जनता को मजदूर बना देंगे। तो इसीलिए रामनाथ कोविंद जी को, जिनको राष्ट्रपति होते हुए मंदिर में नहीं घुसने दिया, कोई वो महान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कबूतर है, कबूतर दिखा दिखा के बाकी कबूतर उनके जाल में फंसाने होते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति ने टीवी मीडिया पर सवाल खड़ा किया, टीवी मीडिया प्रूफ दे रहा है कि हम सच्चाई दिखाते हैं, जितने % दिखाया था एग्जिट पोल में उतने ही सीटें आई हैं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। नीतीश जी ने अभी जाति का जनगणना कराई है, उसमें क्या निकला? कायस्थ समाज के 10,000 जनसंख्या निकली, उसमें से 1,050-80 के करीब उसमें MSc डॉक्टर इंजीनियर निकले, ठीक है। इसी तरीके से मुसहर समाज है, मुसहर समाज की जनसंख्या भी 10,000 निकली, लेकिन उसमें से MSc डॉक्टर इंजीनियर कितना निकला? 1। हम तो सिर्फ मरीज और डॉक्टर हमारे ये बैठे, चाहे मेरी किडनी निकाल लें, चाहे मेरा हार्ट निकाल लें, और चाहे कोरोना में मुझे डेड कर दें, ठीक है। तो ये तो हमारे ऑर्गन बेचने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ ये टीवी में आंकड़े दिखाए? अरे हिम्मत है तो नीतीश जी की जो रिपोर्ट बिहार की है वही टीवी में दिखवा दो, मैं कहूंगी टीवी मेरा है। नहीं तो टीवी मेरा नहीं है, टीवी स्वर्णवादियों का है, पूंजीपतियों का है, ब्राह्मणवादियों का है, टीवी मेरा नहीं है। नीतीश जी दे तो रहे हैं अब आरक्षण, 75% आरक्षण दे रहे हैं, कहाँ लागू हुआ? स्टे हो गया ना, उस पर भी जाति का जनगणना कराने लगे, उस पर भी स्टे कर दिया, मुश्किल से जाति का जनगणना कराई। यह जो नीतीश जी ने जो आंकड़े निकलवाए हैं, घर घर पहुंचाना, उन्हें देना आंकड़े सबके सामने, हर घर में वो आंकड़े पहुंचा दो, खुद इस देश की तख्ता पलट हो जाएगा। चुनाव के लिए ना स्टार प्रचारक की जरूरत आएगी, ना बूथ को बनाने की जरूरत आएगी, सिर्फ और सिर्फ आप आंकड़े दिखा दो, खुद जो है जनता अपने आप जो है प्रधानमंत्री जिसको बनाना होगा बना देगी। लोकसभा में मोदी आने दीजिए, सारे आंकड़े वो ही बता देंगे। अरे मोदी ने जाति का जनगणना तो कराई नहीं, उस जनगणना का खुलासा वो कर नहीं रहा।
रहा, जो जनगणना नहीं करा सकता वो उसका खुलासा कहाँ से करेगा। अब आप ये बताओ 10 साल में तो इस देश की यह हालत कर दी कि पहले एक फूलन नग्न घुमाई गई थी, आज 3 फूलन नग्न घुमाई गई, ठीक है। आज जो है करोड़ों करोड़ों लोग धन लेके लूट के भाग रहे हैं, लेकिन मोदी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन महंगाई के रूप में कह रहे 1400 करोड़ ही तो लेके भागा है, कोई बात नहीं, प्राइवेट बैंक सरकारी भरेगा तेरे कर्जे को। और सरकारी का कर्जा कौन भरेगा? ये SC ST OBC का मेरा वर्ग। 10 रुपये किलो टमाटर बढ़ा दूंगा और 10 रुपये किलो टमाटर से 140 करोड़ जनता जब खरीदेगी तो 1400 करोड़ एक मिनट में आ गए। तो कर दिया ना मैंने बैंक का घाटाला पूरा। तो मोदी जी कहते हैं महंगाई एक मिनट में बढ़ाऊंगा और सारे बैंक भर दूंगा, तुम बस लेके इस देश को भाग जाओ, इस देश को लूट के भाग जाओ। अडानी भी भाग गया, अंबानी भी भाग गया, सबने इतने इतने बड़े बड़े हवेली महल और अपने जो है व्यापार वहां पर खड़े कर लिए हैं। एक और बड़ा सवाल है कि जब लोकसभा चुनाव के जो नजदीक आ रहे हैं, दावे बढ़ रहे हैं, जब कहा जाता है 85% के वोट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, 85% नाराज भी है मोदी से बीजेपी से, तो फिर ये जीत कैसे रहे हैं? वही 85% बिठाई हुई है दिल में, वही चाहती है कि लाए तो ला रही है, जीत रहे हैं। देखिए एक तो सबसे पहले तो ये SC ST का जो रिजर्वेशन है, इससे जो MP MLA बनते हैं सबसे ज्यादा तो ये जो है देश को बेच रहे हैं। इनको जो है सबसे पहले जो है हमें इनके नकेल डालनी पड़ेगी, इनकी पिटाई करनी पड़ेगी, इनकी शव यात्रा निकालनी पड़ेगी, इनके पुतले फूकने पड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान तो आरक्षण तो इन्हें दिलवा दिया, रिजर्व सीट तो इनको दिलवा दी, लेकिन ये जैसे ही MP MLA बनते हैं इनको पुरानी बीवी तक छोड़ देते हैं ये, ठीक है। तो जनता तो इन्होंने छोड़ी छाड़ी है ही है, तो इनको एक बार इनके लट लगने पड़ेंगे तो ये सुधरेंगे और फिर हमारा देश जो है सही इसमें चुनाव होंगे, नहीं तो 85% यूं ही बिकेगा, इनके यूं ही बलात्कार होंगे, यूं ही बेरोजगार होंगे, यूं ही इनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेगी और देश जो है लूटता चला जाएगा, बिकता चला जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने तमाम बातें कही हैं और 85% की जनता के लिए तमाम बातें कही हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।